हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं। और एक बार फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर का यूनिट टू का वीडियो लेके आ रहा हूं। मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट में दोनों यूनिट्स की वीडियो आपको अपलोड किए, और जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर होने वाला है उसमें आपके दो यूनिट्स का सिलेबस है। यूनिट वन जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। और जो हमारा दूसरा यूनिट्स है वो यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पे है, और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के साथ साथ उसमें एक ट्रेड साइकिल पे भी है, फेजेस एंड कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल्स के ऊपर भी है। तो आज मैं अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट टू पे आ रहा हूँ। देखिए, यूनिट सेकंड पेपर के यूनिट टू पे आ रहा हूँ और इसमें हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। और इसका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ट्रेड साइकिल, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल। एक बिजनेस में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उन फ्लक्चुएशंस में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे ट्रफ हो, चाहे कई चीज़ें हैं, पीक हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। आइए वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग और पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ट्रेड साइकिल से ही है। कह रहा है द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स, बिजनेस साइकिल किस को रेफर्स करता है? यहाँ फ्लक्चुएशंस होता है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। यहाँ देखिए जितने ऑप्शंस हैं, पहला है फ्लक्चुएशन इज एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर टाइम, अप्स एंड डाउन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये नहीं होगा। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं। ट्रेड साइकिल में ऐसे बहुत से स्टेज हैं, बूम के केस में भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई नहीं होता है, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग सेविंग, इसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, फर्स्ट था, सेकेंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में कौन सा पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स होता है? इसमें दो पॉइंट लिया मैंने, ये इस पे दो क्वेश्चन बन जाएंगे, पीक और ट्रफ दोनों इसी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल ऑकर्स व्हेन डैश डैश हिट्स लोवेस्ट पॉइंट, किसको? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इसको जब हिट्स करता है तब आपका ये ट्रफ का पोजीशन आता है। नेक्स्ट आते हैं, द लो पॉइंट्स इन द बिजनेस साइकिल इज रेफर्स टू एज ट्रफ। सबसे लोवेस्ट पॉइंट यही होता है बिजनेस साइकिल में। फिर व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीजिंग इकोनॉमी इज सेट टू बी इन, इस केस में एक्सपेंशन होगा और ये अच्छे सिचुएशंस की ओर हम जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि इन अ बूम अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू फॉल, राइट। बूम के सिचुएशंस में अनएम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, वो घटता है। नेक्स्ट में आते हैं। कह रहा है कि व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज डिक्लाइनिंग द इकोनॉमी इज सेट टू बी, जब हमारा एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज घटता है तो ये कॉन्ट्रेक्शन का सिचुएशन आता है जो अच्छा साइन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रेटेस्ट डिप्रेशन सफर्ड बाई इकॉनमी, यानी किस साल वर्ल्ड वाइड रिसेशन पूरे विश्व को अपने ग्रिप में लिया था? 1930, ये बहुत फेमस ईयर है जहां पूरा विश्व जो है इसकी मंदी स्टार्ट हुई थी और ये बहुत बड़ा मंदी का दौर रहा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स आर पीक रिसेशन ट्रफ एंड बूम, पीक डिप्रेशन ट्रफ एंड बूम, पीक रिसेशन ट्रफ एंड रिकवरी। यही हमारा एक सीक्वेंस है जिसमें हम बिजनेस साइकिल के चार फेजेस देखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, विच फेज इज द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पीक होता है, प्रोस्पोर्टी कह सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश डैश द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ रिसेशन, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रेक्शन है। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और आउटपुट क्या होता है? घटता है। कब? रिसेशंस में। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है बूम एंड डिप्रेशन इन बिजनेस साइकिल आर इट्स कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हेन वन पाथ इज रीच्ड इंक्रीज इन डिमांड इज सॉल्टेड देन डैश डैश फेज बिगिंस कॉन्ट्रेक्शन। नेक्स्ट डैश डैश सिमिलर फॉर्म ऑफ, इसमें दो जगह आपका मिसिंग है, पहले में डिप्रेशन आएगा दूसरे में रिसेशन आएगा। नेक्स्ट बिजनेस साइकिल ऑकर्स, बिजनेस साइकिल कब ऑकर्स होता है, ये पीरियडिकली भी है डिफरेंट फेजेस में भी है यानी बोथ हो जाएगा यहां पर। फिर बिजनेस साइकिल्स में ऑकर्स ड्यू टू बिजनेस साइकिल इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स किसी से भी हो सकता है यानी फिर यहां बोथ में आ जाएगा। Whose statements out of there is a false? कौन सा स्टेटस पे गलत है? सुम्पीटर का इनोवेशन थ्योरी सही है, पिगू फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट ये थ्योरी की गलत है, जबकि इसके अलावा इस क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। किन्स फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड सही है, हॉटरे ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फेनोमेनन सही है। नेक्स्ट में आइए, कह रहे हैं कि बिजनेस साइकिल हैव बीन टर्म्ड एज प्योर मॉनेटरी, इस देखिए क्वेश्चंस पहले भी आया था, मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए ये हॉटरे का है प्योर मॉनेटरी और यहाँ इसको पूछा भी है, तो वही आपका प्योर मॉनेटरी किसने कहा था, आपका हॉटरे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, द एक्सपोनेंट ऑफ द ओवर अप्रोप्रिएशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज हेक। नेक्स्ट द एक्सपोनेंट ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल सुम्पीटर, फेमस है ये, ठीक है। नेक्स्ट द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीपल एंड एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज सैमुएलसन। द एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल हिक्स, हिक्स की थ्योरी है ये। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल, यहां टॉपिक चेंज हुआ, आपका जो सेकेंड यूनिट्स है उसमें बिजनेस साइकिल से क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे, इसको तैयार करिएगा। हमें लगता है कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन तो बिजनेस साइकिल से आपको मिलने ही चाहिए, इसीलिए मैंने लमसम 22 से 23 क्वेश्चंस कवर किया। अब यहां टॉपिक चेंज हो रहा है और ये आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है। अब वहां पे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, कहने को तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 5 हैं लेकिन यहाँ लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्राइज इनके लिए हम पे करते हैं। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड के लिए हम रेंट देते हैं, लेबर के लिए हम वेजेस देते हैं, कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट देते हैं और इंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उसके लिए हम प्रॉफिट देते हैं। अब ये सारी थ्योरी यहाँ स्टार्ट हो रही है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है उस पे डिफरेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, पहला अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिपेंड अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट अंडर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिवॉर्ड फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, ठीक है। नेक्स्ट एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवॉर्ड इक्वल टू, सारे फैक्टर्स मार्जिनल प्रोडक्ट से क्या है रिलेटेड है, उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव डिमांड होता है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर फैक्टर्स मार्केट डिमांड फॉर फैक्टर्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, ये पहला होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, थोड़ा सा अकाउंट से हटके इकोनॉमिक्स में आइए, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो नेट प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से मिलेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा हम ये टॉपिक क्वेश्चंस आ गया है जो आपका प्रॉफिट थ्योरी है उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वॉज फर्स्टली फॉर्मुलेटेड इन इट्स कंप्लीट फ्रॉम, किसने सबसे पहले इसको दिया था, क्लार्क ने। नेक्स्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड रियल थ्योरी एंड इसको हम रियल थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट
फैक्टर प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द फैक्टर मार्केट अंडर द फैक्टर्स डिमांड एंड सप्लाई, यानी सप्लाई फोर्स और डिमांड फोर्स से निकाला जाएगा. नेक्स्ट, द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय डैश डैश ऑफ द फैक्टर्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. मैंने बताया ना, इस फैक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिपेंड होगा. नेक्स्ट, इफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर राइजेस बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वेजेस विल राइज, यानी वेजेस ही बढ़ेगा. 35. नेक्स्ट, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्टर्स फॉल कॉन्स्टेंट राइज, राइज फॉल्स कॉन्स्टेंट, राइज रिमेन कॉन्स्टेंट, फॉल एंड निगेटिव. ये आपका होगा, क्योंकि उनको पता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, अगला, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट्स कैन बी डिफाइंड एज, ये आपका एमपीपी इनटू एमआर. नेक्स्ट आते हैं, अ फैक्टर्स डिमांड डिपेंड्स ऑन अ फिजिकल प्रोडक्टिविटी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली ऑन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, बोथ फिजिकल प्रोडक्टिविटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या होगा, बेस्ड होगा. According to the modern theory of distribution, price of factor is determined by demand and supply. पहले भी आ चुका है, demand and supply के थ्रू निकाला जाए. Next, marginal productivity theory of distribution, it explains that business form employs the factors of production because of its productivity. सही है, is a general principle and through this the remunerations of all. सही है भी. इट्स एक्सप्लेन दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज द बेसिस ऑफ डिटरमाइन, ये भी सही है. ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी ये सारे चीज से रिलेटेड है हमारी थ्योरी. नेक्स्ट पे आते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिलेट्स द रेमुनेशंस ऑफ एनी फैक्टर्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय इट्स एड्स इट्स कंट्रीब्यूशन में, यही होगा, एड्स इट्स कंट्रीब्यूशन मेड टू द टोटल आउटपुट्स. आई अगला, Which one of following assumptions of the marginal productivity theory is correct on which this theory is based? किस पे based है? Conditions of full employment सही है. The uniformity of all units of each factor is correct. Both in factors market and the commodity sub, all हो जाएगा इसमें आपका पूरा. आगे, If there is perfect competition in instruments markets, then the केस ऑफ इक्विलिब्रियम आपका एमएफसी इज इक्वल टू एमआरपी इज इक्वल टू एएफसी. अमंग फॉलोइंग विच इकोनॉमिस्ट हैज प्रोपाउंडेड द वेज फंड थ्योरी, जेएस मिल ने वेज, हम लोग यहां पे वेजेस थ्योरी में आ गए. ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, वेज इज डिटरमाइंड बाई डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर. मॉडर्न थ्योरी में डिमांड एंड सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड ऑफ लेबर जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे वेज रेट क्या होता है डिटरमाइन किया जाता है. अगला, अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग वेजेस डिटरमिनेशन इज रिलेटेड टू मोनोपोली ओलिगोपोली पोलिट्रियल मोनोपोली, ये होगा आपका. नेक्स्ट, 46, The shape of the industry's demand curve and labor in long runs elastic होगा. Next, आगे, nominal wage means nominal wages money wages. Workers को जो money में payments किया जाता है wages, that is called money wages. और इसी को हम लोग nominal wages भी कहते हैं. Okay, ये. Next, 49. Who has propounded substance theory of wage? Adam Smith. Adam Smith ने इस theory को propound किया था. Who has propounded residual claimant theory of wages? Walker ने इस theory को propound किया था. If productivity of labor increases, then wages rate also increases. अगर workers की efficiency बढ़ेगी तो उसका जो वेजेस रेट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस वाज प्रोपोंडेड बाय क्लार्क.
क्लार्क ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को प्रोपाउंड किया था. नेक्स्ट, रियल वेजेस आर अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ वर्क, नहीं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ, नहीं, परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज से अफेक्ट होगा. द एलिमेंट्स विच डिटरमाइन द सीलिंग ऑफ वेजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नहीं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, ये एमपी 55. रियल वेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस व्हाइल केस वेज रिमेन द सेम, ये डिक्रीज 56. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट द लेबर यूनियन, ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इंक्रीजेस वेजेस. नेक्स्ट 57, व्हेन द बार्गेनिंग टेक्स प्लेस बिटवीन अ यूनियन एंड एम्प्लॉयर, इट इज कॉल्ड वन प्लांट बार्गेनिंग. 58, द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड डिराइव डिमांड, ये स्पेलिंग यहां पे देख लीजिएगा, स्प्रिंट है. रिवर्सल ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर मीन्स द वर्कर्स एट द हायर वेजेस रेट वर्क मोर, नो, वर्क लेस, नो, स्पेंड लेस टाइम, रेडी टू वर्क, ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है काम. ऑकर्स इन सिचुएशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या सिचुएशंस आता है, ये एम डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डब्ल्यू. Okay. In perfect competition, the equilibrium condition is AW is less than MRP. The downward sloping curve of labor from left to right slopes that change in wage rates has no effects on demand for labor. Demand for labor increases. हाँ यही होगा. Demand of labor increases when wage rates falls. सही. नेक्स्ट, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हैज बीन, मॉडर्न थ्योरी हम लोग रेंट में आ गए, हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार है, रेंट थ्योरी, वेजेस थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, प्रॉफिट थ्योरी. अब हम लोग रेंट थ्योरी में आ गए हैं और रेंट की दो थ्योरी है, एक क्लासिकल थ्योरी जो रिकॉर्डियन थ्योरी कहा जाता है, जिस क्लासिकल व्यूज ऑफ रेंट ये कहता है कि सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड ही ऐसा है जो रेंट दे सकता है, और मॉडर्न थ्योरी कहता है कि नहीं, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबसे रेंट्स ऑन किया जा सकता है, यही है. तो जो क्लासिकल थ्योरी है वो रिकॉर्डियन थ्योरी के नाम से फेमस है, रिकॉर्डों की थ्योरी, और जो मॉडर्न थ्योरी है उसके जो प्रोपाउंड जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो जॉन रॉबिन्सन का है, ये आपका है मॉडर्न थ्योरी. नेक्स्ट, द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कंसिडर्ड रेंट्स, रिकॉर्डियन थ्योरी कहते हैं व्हाट इज रेंट, रेंट मीन्स डिफरेंशियल, डिफरेंशियल सरप्लस. आई नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अ फैक्टर विल नॉट ऑन रेंट इफ इट्स सप्लाई कैन नॉट वेरी, इट्स सप्लाई इज इलास्टिक, इट्स सप्लाई इज इन इलास्टिक, इट्स सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक फॉर ऑल टाइम, ये होगा आपका क्वासी रेंट, प्राइस माइनस एबीसी, प्राइस माइनस एबीसी. क्वासी रेंट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोपाउंड किया था मार्शल ने, अभी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे आपको. हु इंट्रोड्यूस क्वासी रेंट, आ गया देखिए मार्शल. ये शॉर्ट रन में होता है, ये जीरो हो सकता है बट निगेटिव होता है. इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. ये मॉडर्न रेंट का कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग मॉडर्न रेंट में आते हैं. तो रेंट कैसे ऑन होता है, और यहाँ रेंट इज इक्वल टू इसको हम लोग कहते हैं इस चीजों को, एंड ये जो थ्योरी है वो रेंट इज इक्वल टू थ्योरी हो जाएगी. क्वासी रेंट कैन बी जीरो बट निगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है. Who said rent is the results of specificity of factors? Modern economist ने कहा था कि rent जो है वो specific factors से मिलता है. Next, Ricordian theory of rent is applicable on the land only. मैंने कहा ना, Ricordian theory यानी classical view of rent क्या कहता है कि rent सिर्फ land से मिलता है और किसी factors of production से नहीं मिलता है. Next,
द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट मीन्स द रेंट टू द वर्कर द रेंट शेयर्ड बाय द लैंडलॉर्ड एंड वर्कर्स द रिटर्न ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज फिक्स्ड इन सप्लाई इन द शॉर्ट पीरियड राइट ये क्वासी रेंट शॉर्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट लॉन्ग पीरियड में नहीं होता है आइए नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट रेंट अक्रूज ऑल फैक्टर्स लैंड से भी कैपिटल्स लेवल एनी फैक्टर्स किसी फैक्टर्स होता है आइए नेक्स्ट क्वासी रेंट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी वी सी यानी कि टी आर से जब हम टी वी सी टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो यही हमारा क्या होता है क्वासी रेंट होता है क्वासी रेंट होता है नेक्स्ट आते हैं व्हाटएवर एक्स्ट्रा इज रिसीव ओवर द ट्रांसफर्ड इनकम ऑफ फैक्टर इट कैन बी कॉल्ड इकोनॉमिक एंड इक्विलिब्रियम रेंट ये इकोनॉमिक रेंट है आपका जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा नेक्स्ट लैंड इज द ओनली मींस ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज कंप्लीटली इनइलास्टिक मार्जिनल लैंड इज द इकोनॉमिक्स मींस द लैंड ऑन विच नो रेंट इज मार्जिनल रेंट मतलब जैसे कोई रेंट नहीं मिलता जितना हम लगाएंगे जितना उसकी कॉस्ट होगी उतना ही उससे हमें रेवेन्यू मिलेगा तो कोई यहां पे हमें कह सकते हो कि जो मिलेगा वही मार्जिनल लैंड होगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक रेंट एंड टोटल रेंट इकोनॉमिक रेंट इज पार्ट ऑफ टोटल रेंट सही है हु When does the quasi rent arise? Quasi rent हमेशा short term में arise होता है, long run में arise नहीं होता है. Among the following, which factor is included in total interest? Payment of risk आएगा, net interest आएगा, payment for inconvenience. Inconvenience भी आएगा आपका. Modern theory of interest is called by the name of modern theory of interest. Hicks, Hansen, this is ये होगा पहला. अब यहां से हम लोग इंटरेस्ट थ्योरी पे आ गए आप देखो तो यहां से ये क्वेश्चन नंबर 80 से इंटरेस्ट थ्योरी पे हम लोग ठीक है इसका हमने यहां पे क्या बताया था आपको ये ऑल हो जाएगा 81 में आएंगे तो यहां ही बताया था भी आपको ये हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस आ जाएगा ये फिर हु सेड इंटरेस्ट रेट इज मॉनेटरी फेनोमेना ये कहा था केन्स ने ठीक है आइए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहा है इंटरेस्ट की डिफरेंट थ्योरीज में दो थ्योरीज बहुत पॉपुलर थ्योरी है एक थ्योरी का नाम है लोनेबल फंड्स थ्योरी और एक थ्योरी का नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को किन्शियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है वो कहते हैं कि जो लोगों का नेचर होता है वो क्या होता है जब बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोग अपने पैसे को अपने पास रखते हैं यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोगों के पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाएगा और जब बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग अपने पास लिक्विडिटी कम रखेंगे एंड लिक्विडिटी को प्रेफरेंस कब देंगे कब अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे जब बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा कब लिक्विडिटी को सेक्रीफाइस करेंगे हटाएंगे अपने पास से जब बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और इंटरेस्ट के बीच हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है यही थ्योरीज में कई दो तीन क्वेश्चंस होंगे पढ़िए कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप ये लिक्विडिटी ट्रैप कहलाता है और ये जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में आता है और ये केन्स थ्योरी है आपका ये केन्सियन थ्योरी में आता है ये चीज नेक्स्ट पे आता हूं रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड इंटरेस्ट बताया उन्हें इनवर्स रिलेशनशिप होता है एक बढ़ता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम होगा इंटरेस्ट रेट घटेगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता ज्यादा होगा नेक्स्ट 85 बाय व्हाट नेम केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बताया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये देखिए केन्स की थ्योरी को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं द एक्सपोनेंट ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी वाज ये है आपका विक्सेल ये भी दूसरी थ्योरी है ये भी थ्योरी उसी से मिलता जुलती थ्योरी है ये द सप्लाई ऑफ रियल मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू केन्स केन्स के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी है किसके थ्रू गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का वो सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड है नेक्स्ट 88 में आते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ अनसर्टनिटी ठीक है ना अनसर्टनिटी बेयरिंग यानी अब हम लोग आगे प्रॉफिट थ्योरी में
और अब यहीं से हम लोग जो फैक्टर्स ऑफ हमारे प्रोडक्शन है ना, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें आपसे तो कितना, एक रेंट थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, वेजेस थ्योरी और प्रॉफिट थ्योरी, तीन पे काम कर चुके। अब हम लोग प्रॉफिट थ्योरी पे आ रहे हैं। प्रॉफिट थ्योरी में डिफरेंट थ्योरीज हैं, जहाँ दो थ्योरी बहुत फेमस है, एक प्रोफेसर नाइट की और एक हाउले की। नाइट कहते हैं कि जो हम बिजनेस करते हैं उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है, उसी अनसर्टेनिटी के चलते हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है। यानी अनसर्टेनिटी बियरिंग का रिवॉर्ड प्रॉफिट्स होता है, यानी जो लाभ है वो अनिश्चितता वहन करने का एक पुरस्कार है। वो कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक इंश्योरेबल फैक्टर्स हैं और एक अनइंश्योरेबल फैक्टर्स हैं। तो वो किसकी बात करते हैं, जिस जो रिस्क है और उसके लिए इंश्योरेंस होता है तो आप तो वहाँ सेफ हो गए, लेकिन वे फैक्टर्स जिसके लिए इंश्योरेंस नहीं होता, अगर आप उन फैक्टर्स की बात करिए तो रियल में वहीं पे ज्यादा रिस्क होता है। तो ये अनसर्टेनिटी बेरिंग थ्योरी प्रोफेसर नाइट का है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर देखिए क्या है, द अनसर्टेनिटी बेरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड बाय प्रोफेसर नाइट, ठीक है ना, इन्होंने दिया। आगे नेक्स्ट, प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम प्रॉफिट्स को ही कहते हैं। आइए नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट नहीं है, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट, इसको टोटल प्रॉफिट कह सकते हैं आप, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी हम अपने टोटल रेवेन्यू में से अगर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज बीन सुमपीटर की थ्योरी है, सुमपीटर की थ्योरी है कि इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, 94, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स वाज ओरिएंटेड बाय द हाउले, हाउले ने एक थ्योरी दी है, कहते हैं कि प्रॉफिट इज ए रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। तो जो बिजनेस में हम जो जोखिम लेते हैं ना, उस जोखिम के चलते जो है प्रॉफिट होता है, उसी को यहाँ पे कहते हैं कि जो रिस्क है, रिस्क चलते जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है वो प्रॉफिट्स है। ये हाउले की थ्योरी है, दूसरी फेमस थ्योरी है मानी जाती है इसकी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ अननोन, मैंने कहा था ना दो पार्ट में बांटते हैं, एक नोन रिस्क जिसके लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, एक अननोन रिस्क जिसके लिए हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। और रियल में जो बात करते हैं, जो प्रोफेसर नाइट की थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स है, वो अननोन रिस्क के ऊपर ही क्या होता है, बेस्ड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रेंट प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी इसका ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लार्क, प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू रिस्क बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू चेंजेस इन सोसाइटी, ये है क्लार्क का। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज प्रोपोंडेड बाय वॉकर, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को वॉकर ने इसको दिया है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज प्रोपोंडेड बाय क्लार्क, जो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को क्लार्क ने दिया है। 100, पोटेंशियल सरप्राइज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स, और यहां से ध्यान दीजिएगा ये अलग टॉपिक है एक आपका, इसको दो नाम से जानिएगा, ये और एक अलग है, ठीक है, ये दोनों सेम है। इसको हम लोग पोटेंशियल सरप्राइज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स कहें या सक्सेस प्रॉफिट थ्योरी ऑफ कहें, इसको दिया है GSL सकल्स ने इसको दिया हुआ है, ठीक है। आई नाउ कंप्लीट, ये आपके क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा ये यूनिट्स, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, इस यूनिट्स में बहुत सी थ्योरीज हैं जिनके जिनको जिन्होंने खोजा है, जो उसको प्रोपाउंड किए हैं, उनके नाम को रटना है। आप हर सब में जाइए, रेंट थ्योरी में जाइए, इंटरेस्ट थ्योरी में जाइए, वेजेस थ्योरी में जाइए, प्रॉफिट थ्योरी, ऐसे कम से कम हम लोग इस पूरे में 25 से 30 क्वेश्चन आए होंगे जिसमें आपको ऑथर्स का नाम रटना है कि किसने किस किस थ्योरी को ओरिजिनेट किया है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ों को कवर किया, आप इस पूरे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिएगा, मे बी किसी के आंसर्स को बताने में मुझसे मिस्टेक हो सकता है। एक क्वेश्चन जो इसके पहले वाले वीडियो में था उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसमें जो मोनोपोली पे क्वेश्चन मैंने दिया था उसका ऑप्शन मैंने लगाने में गलती वहाँ पे किया है, बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
हाँ, क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 42 अगर मैं आपसे बताऊं तो इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 और ये क्वेश्चन आपका मोनोपोली के ऊपर है। किसके ऊपर है? मोनोपोली। क्वेश्चन है द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली इज, इसमें पहला ऑप्शन है सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, रॉन्ग है। सिंगल बायर बट मैनी सेलर, ये भी रॉन्ग है। मैंने गलती से इसी को घेर दिया है, मैंने बोला सही था मैनी बायर बट वन सेलर। इसमें आपका जो आंसर होगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 है और ये राइट आंसर जो इसका होगा, राइट आंसर जो इसका होगा, ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा, सी होगा, 42 का सी होगा राइट आंसर। और इसमें आंसर है मैनी बायर्स बट वन सेलर। क्या आंसर है इसका? मैनी बायर है बट वन सेलर। ये हम लोग का ये क्वेश्चंस किस में का है बता दूंगा आपको, ये सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर टू, ठीक है, यूनिट्स वन का ये क्वेश्चन नंबर 42 है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ने कमेंट में लिखा, मैंने मुझसे बताने में मिस्टेक हो गया होगा, तो ऐसे हो जाता है जल्दी जल्दीबाजी में उस चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। तो अगर आपको इस यूनिट से भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है जहां गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, एक बार मैं चेक जरूर करूंगा। बहुत से बच्चों ने और भी क्वेश्चन को क्लेम किया था लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो फर्स्ट पेपर जो हुआ उसे बहुत से बच्चों ने गलत क्लेम किया कि सर ये गलत बात है, मैंने जब क्वेश्चन को देखा तो सही था, लेकिन हाँ यहाँ पे गलती हुई थी, इसको मैंने रिवाइज करा दिया कि मोनोपोली का मतलब मैनी बायर बट वन सेलर। मोनो मीन सिंगल, पोली मीन सेलर, जहाँ किसी प्रोडक्ट्स का एक ही सेलर या प्रोड्यूसर होता है वो उसको हम लोग मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। उसी तरह आप इस वीडियो में भी सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये यूनिट्स अदर यूनिट से कंपेरिजन में थोड़ा डिफरेंट है और समय भी आपके पास बहुत कम है, कॉन्सेप्चुअल उतनी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी, ठीक है, टाइम बहुत कम है। तो एक बार थोड़ा सा आपको इसमें जो ऑथर्स वाली चीजें हैं उसको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, बट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर हुआ उसके कंपेरेटिवली सेकेंड पेपर बहुत ईजी है आपका। आप मेरा दोनों वीडियो यूनिट्स यानी पेपर टू का यूनिट्स वन और पेपर टू का यूनिट सेकेंड में 100-100 क्वेश्चन, कुल 200 क्वेश्चन हैं आपके पास और इन पूरे 200 क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपके जो बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है पेपर वन पेपर टू, जिसका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, जो वीडियो जो एग्जाम्स आपका आगे गया है शायद 16 के बाद है, 17-18 को है, तो उसका वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को अपने इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए जिससे कि उनका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। फिर बहुत जल्दी नया वीडियो साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।